साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट के आगे की तस्वीरें है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं भजन लाल सरकार के खिलाफ। इनकी मांग है साथियों, लंबे समय से तमाम आरक्षित वर्गों की जातिगत जनगणना करवाने हेतु। और इन्होंने बताया है कि जब तक जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिले, तब तक आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक सीट भर्ती में जो पूर्व में संपन्न हो चुकी है, उसी परीक्षा महिला आरक्षण 30% था, इसी परीक्षा को आधार मानकर आयोजित की जा रही है। तो साथियों, ये छात्रों का प्रदर्शन है बाड़मेर के जिला कलेक्ट्रेट के आगे भजन लाल सरकार के खिलाफ। चलो इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, इन्होंने क्या बताया है भजन लाल सरकार के खिलाफ। चलो इनसे बात करते हैं, धन्यवाद। क्या नाम है आपका, आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हो, किसके नाम का ज्ञापन है? मेरा नाम मनोज मीणा है और राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ का मैं अध्यक्ष हूँ। जयपुर में बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को उठाने का कार्य करता हूँ। और ये जो भजन लाल सरकार है, 50% आरक्षण का बिल लेकर आई है बिना सोचे समझे। ना कोई इनके पास तर्क है, ना इनके पास कोई फैक्ट है, बस इन्होंने समझा कि हमारा राज चल रहा है और एक ऐसा नियम बना देते हैं जिससे बेरोजगार युवाओं की हत्या हो सके। भजन लाल सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, 20 तारीख को जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया तो आपकी सरकार को पीछे हटना पड़ा, 5 तारीख को किया तो आपको पीछे हटना पड़ा। आज ये पूरे राजस्थान के युवा बाड़मेर में इकट्ठा हुए और यहाँ से अपनी मांग को भजन लाल सरकार तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं भजन लाल जी से कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, आप इस बिल को वापस ले लीजिए, नहीं आने वाले बाई इलेक्शन में आपकी सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के युवा बड़े लेवल पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं और राजस्थान सरकार लगातार कह रही है कि हम सब भर्तियों में इसे लागू करेंगे। भजन लाल जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे को तैयारी कराइए, इस बिल को लाते और उससे बोलिए कि वो कंपटीशन की सीट निकाल के दिखाए तो ये बच्चे भी निकाल लेंगे। भजन लाल जी, आपने अपने बच्चे की तो बेरोजगारी खत्म कर दी नेता बनाकर, लेकिन ये बेरोजगार कहाँ जाएंगे? आज बाड़मेर का जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर हम एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं कि हम सरकार से बात करिए कि युवा शक्ति आक्रोशित है, सड़कों पे अगर युवाओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम दोबारा तीसरी बार जयपुर की धरती पर कूच करेंगे और इस बार पार की लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। तो सर, अगली चेतावनी क्या देना चाह रहे हो सरकार को? मैं भजन लाल सरकार को कहना चाहता हूँ, अभी भी समय, इस बिल को वापस ले लीजिए, जल्दी रणनीति बनाकर तारीख डिसाइड कर जयपुर की राजधानी में हजारों की संख्या में युवाओं को बुलाएंगे और भजन लाल सरकार को पीछे हटाने का कार्य करेंगे। अभी भी समय है कि हम तीसरा कॉल दें, उससे पहले सरकार इस बिल को वापस ले ले। आज कलेक्टर को किसके नाम का ज्ञापन दे रहे हो? मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे कि वो मुख्यमंत्री से संवाद करें और इस मामले में युवाओं को राहत दिलवाए। ठीक है, सरकार के प्रतिनिधिकरण नहीं है, ये राजनीतिकरण है साहब, इसे सशक्तिकरण नहीं कहते, क्योंकि सशक्तिकरण करना है तो महिलाओं को वहाँ भेजिए जहाँ नीतियाँ बनाई जाती है। संसद में आप उनको 50% आरक्षण दीजिए, आप कैबिनेट मंत्रिमंडल में दीजिए, आप संसद में दीजिए, जब होगा महिला सशक्तिकरण। अध्यापक भर्ती में देने से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? महिलाओं के ऊपर अपराध होने में राजस्थान एक नंबर पे चल रहा है, वहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कार्य कर नहीं पाते। और बात करते बिल लाने की, जो ये बिल्कुल भी छात्रों के हित में नहीं है और ये गैर कानूनी तरीके से इस काम को कर रहे हैं। राजस्थान के युवा इस बिल के खिलाफ है और मजबूती से अपनी आवाज उठा रहे, लोकतंत्र में नहीं सुना गया तो राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आज कह रहा हूँ, बाई इलेक्शन चुनाव में 5 में से 0 आएंगी और आने वाले चुनाव में भी इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो युवाओं की नाराजगी किस कदर है सरकार से। उपचुनाव पर असर पड़ेगा, चुनाव पूरा असर पड़ेगा अगर उपचुनाव में अगर इन्होंने इस बिल को नहीं लिया तो हम दिखा देंगे युवाओं की ताकत क्या है। ठीक है, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? सर, योगेश यादव, आरक्षण संघर्ष समिति से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये युवाओं की भीड़ अपने हक और अधिकारों के लिए आई हुई है। हमारा सरकार से कहना है कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। लगातार आंदोलन जारी है, आज बाड़मेर में है, कोटा में होगा, फिर आगे नागौर में होगा। हमें सरकार से कहना है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे और ये जो छात्र यहाँ पर इतने भारी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं, ये अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए आए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। मांगे हैं, आज प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ पर? आरक्षण दिया गया, उसके विरोध में आज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर रहा है। राजस्थान सरकार से निवेदन देने की, वो इस बिल को वापस लेके छात्रों के साथ न्याय करे। मुख्य मुद्दा क्या है आपका?
मुख्य मुद्दा तो यही है ना, 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया, इससे छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। तो अब क्या अगला कदम क्या है आपका? जातिगत गणना का दावी, या तो आरक्षण दो या फिर सभी को समान अधिकार दो, सबका मुद्दा है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। ठीक।